हेलो दोस्तों, जय जवाहर, जय आदिवासी। हूँ छू राहुल भुरिया और मारी साथे मारा खास मित्र दिलीप भाई थंदार। तो एमनु सॉन्ग आवी रह्यु छे देसी मांदल। सॉन्ग जोरदार छे दोस्तों, मैं सांभळ्यु छे अने तमे सपोर्ट करजो। जोरदार गीत छे। आपणी दिलीप भाई नी ऑफिशियल चेनल, दिलीप थंदार ऑफिशियल चेनल पर आववानुं छे अने मिक्सिंग पण एमनुं पोतानुं छे अने बाकी दिलीप भाई आपणने गीत विशे जणावशे। तो दोस्तों, राहुल भैया सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बिजी लाइफ, मतलब दिल्ली में बोलो तो ज़्यादा बेस्ट है क्या? हाँ। तो मतलब इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी अपन ने फिर भी समय निकाला और हम मिले, और फाइनली राहुल भैया का इतना सारा सपोर्ट है दोस्तों। तो हमने कोशिश करी है गाने का, गाना जितना हम जितना कर सकते थे उतना किया है अच्छा करने की कोशिश। और मेरे साथ में एक हमारा दोस्त है कोटा से हटे, और उनका नाम है दिल्लू भुरिया। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गाया है, लिरिक्स भी आधी थोड़ी उन्होंने लिखी है, थोड़ी बहुत हमारे पिंजू भाई की लिरिक्स भी है, और रिकॉर्ड अपने लवली स्टूडियो में हुआ है, और म्यूजिक भी छोटा मोटा 5-10 ग्राम इतना करने की जोरदार म्यूजिक। म्यूजिक की बात ना की जाए दोस्तों, मैंने म्यूजिक सुना है, आप भी सुन लेना कल अपने दिलीप भाई की यूट्यूब चैनल पे। म्यूजिक एक नंबर है, रिकॉर्डिंग भी जबरदस्त किया और मिक्सिंग भी इनका खुद का है, एटली मतलब कि समझ सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। तो दोस्तों, आप सभी लोग 5-10 ग्राम या 2 किलो इतना भी प्यार बरसा दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, पर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, और दोस्तों सपोर्ट करना, मेरी ओर से तो दिलीप भैया को फुल सपोर्ट है, क्योंकि दिलीप भैया के गाने जो पुराने गाने हैं वो मैं सुनता रहता हूँ। टिटोड़ी वाला गाना था, हाँ, पुराना गाना था इनका टिटोड़ी वाला, तो वो गाना बिल्कुल सुपरहिट रहा था। हम उस गाने पे हमने भी डांस किया था 2016-17 के आसपास का वो गाना था, लेकिन हमने यार मतलब उधर माहौल जम गया था पूरा जब ये गाना आया, और मजा ही आ गया दोस्तों इनके गाने में। और दोस्तों, इनको मैंने कभी देखा नहीं था दिलीप भाई को, लेकिन 4 साल से हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप से और कॉल से कि भैया मिलेंगे मिलेंगे, और जब मिले तब 24 घंटे 48 घंटे साथ रहे इनके स्टूडियो में। और तभी हमने एक वीडियो भी डाला था इनकी चैनल पे, 5 लाख का ड्राइवर। हाँ, 5 लाख का ड्राइवर। तो दोस्तों ड्राइवर ने, हाँ तो दोस्तों अभी बता दे फाइनली कि अब वो ब्लॉग वाली बात है, तो ऐसा है कि हमारे ड्राइवर साहब ने हमसे 2 गुना महंगी कार ले लिया यार। अब क्या करें, हम 5 लाख के ड्राइवर थे, पर आप देख सकते हैं पीछे साइड खड़ी है दोनों दोनों, एक इधर अपनी है और भैया की वरना। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे 5 लाख पगार दिया 2 महीने 3 महीने, मतलब 4-1 महीना काम किया इनके पास मैंने। और अभी फाइनली हमसे भी महंगी 3 गुना महंगी ले ली। नहीं यार, बस आप सभी लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। कभी सोचा नहीं था कि इस रास्ते पे आके, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब हम FZ लेके आया करते थे, और वो वीडियो मतलब आपको मैं याद दिलाऊं तो वो दारू की कहानी कुछ ऐसा था, हमारे LKS भाई की यूट्यूब चैनल पे होगा शायद वो। और एक समय पे हम इस रोड पे आए थे वीडियो के लिए बाइक लेके, और दोस्तों के साथ बस बाइकें लेके घूम रहे थे, लेकिन इसी रोड पर आज गाड़ियां लेकर भी आ गए दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट है, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। बस जो सोचा नहीं वो कर दिया, और पता नहीं आगे क्या होगा, और सोचा तो आगे का तो कुछ सोचा भी नहीं, लेकिन होना चाहिए कुछ बड़ा। और तो दोस्तों बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, रियल में तहे दिल से धन्यवाद। और प्लस में फिर अपन लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, देसी मांदल वागे, देसी मांदल वागे। हाँ, गीत का नाम, हाँ, देसी मांदल। और भैया राहुल भैया का भी सपोर्ट है और सारी चीजें है, तो आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी तो हम हमारी ओर से बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, गाने वगैरह लाने में, वीडियो लाने में। बस आप लोग देखो और लाइक शेयर करो, बस आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस हमें सपोर्ट करते रहो। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगे तभी, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी तो कोशिश तो हमारी ऐसी रहती है कि हम बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करते हैं हमारे काम में, और हर साल हिट सीरीज लाते ही रहते, तो आप प्लीज सपोर्ट करते रहना दोस्तों। थैंक यू। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हो।